नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ठाकर सर क्लासेस में। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है ग्राफिकल संकेत या चिन्ह। दोस्तों हम इसके बारे में जानेंगे कि ग्राफिकल संकेत क्या होते हैं। देखिए, हम जब कभी भी ऐसे सिंबल बनाते हैं, लैंप का कैसा होता है, टू वे स्विच का कैसा होता है, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, सारी चीज़ें आज अपन एक इस पीडीएफ के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये इसमें लैंप का सिंबल ये रहा, लैंप का टू वे स्विच जिसमें वन साइड से सप्लाई आने पे उसे अपन टू वे स्विच जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, आपका ये जीने की वायरिंग में, गोडाउन वायरिंग में या फिर सुरंग की वायरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, अपन एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं टू वे स्विच के माध्यम से। ये रहा आपका टू वे स्विच का सिंबल, ये नेगेटिव साइन, ये वन वे स्विच, पॉजिटिव साइन एंड अर्थ, ICDP स्विच जो कि अपने घर में जो मेन इनकमिंग रहती है दोस्तों, जहाँ पर अपने सर्विस वायर आती है वहाँ पर ICDP मेन स्विच लगाया जाता है सिंगल फेज में, या ICTP स्विच जो कि थ्री फेज सप्लाई के जहाँ सप्लाई आती है दोस्तों, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोविजन के लिए सप्लाई आती है वहाँ पर ICTP स्विच लगाई जाती है दोस्तों। आगे देखिए, ये आपका स्थिर प्रतिरोध जो कि एक वेरीफाई तरीके से होता है कि जैसे यहाँ पर 10 ओम का प्रतिरोध है, इसे अपन स्थिर प्रतिरोध बोलेंगे, ना उसे कम किया जा सकता है ना उसे ज़्यादा किया जा सकता है दोस्तों। फिर आगे देखिए, रियोस्टेट वेरिएबल जो इसकी एक रेंज रहती है कि यह 10 से 100 ओम के बीच इसको अपन वेरिएबल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है आपका वेरिएबल टाइप का आपका प्रतिरोधक। आगे देखिए, ये स्थिर कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का सिंबल है दोस्तों। आपने कभी देखा होगा जब हम सर्किट बनाते हैं जिसमें अपन कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये सारी चीज़ें लगाते हैं, तो ये अपने सिंबल के माध्यम से ही उसको उस चित्र में दर्शाया जाता है दोस्तों। फिर आगे देखिए आपका ये वेरिएबल कैपेसिटर कि इसमें कितने फेरेड तक का अपन को चार्ज देना है, जिसके हिसाब से वो वेरिएबल कैपेसिटर लगाए जाते हैं दोस्तों। ये इंटरमीडिएट स्विच, ये कॉइल जानते हैं दोस्तों आप, जो मोटर वाइंडिंग की जाती है, ये सब चीज़ें जो है इसमें कॉइल इसकी इस तरह से जो लपेटी जाती है, बनाई जाती है दोस्तों, ये इसका सिंबल है। आगे देखिए, ये अल्टरनेटर, ये दोस्तों यहाँ से भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपने यदि इसको इस वीडियो को पूरा अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों, या अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, तो आपके 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जाइए टेक्निकल की, उसमें आपको यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके आने दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें और देखते रहे और इस वक्त हमारे साथ बने रहे दोस्तों। देखिए, ये आपका अल्टरनेटर का सिंबल है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर, ये मेन ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है दोस्तों अपना, चोक कॉइल, फ्यूज, न्यूट्रल लिंक। दोस्तों जब तक आप इस वीडियो का रिवीजन नहीं करेंगे, आप यह वीडियो यदि देख रहे हैं तो आप एक पेन और एक ब्लैंक पेपर लेके बैठ जाइए, तो ये जो चीज़ आपकी डिस्प्ले पर आती जा रही है उनके आप बना के रिवीजन भी करते रहिए। आगे देखिए, DC जनरेटर, पंखे का रेगुलेटर, ये बैटरी का साइन है दोस्तों। बैटरी क्या होता है, सेलों के क्रम को बैटरी कहा जाता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बैटरियाँ लगाई जाती है उसे, सॉरी सेल लगाए जाते हैं उसमें बैटरी कहा जाता है दोस्तों, और ये सेल का सिंबल। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने BIS के आधार पर विद्युतीय वायरिंग संबंधित चिन्ह। मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विच के लाइटिंग वाला, यानी जो 6 एम्पीयर वाला स्विच है, जो मेन स्विच बोर्ड फ्यूज बोर्ड है वाला, उसका साइन ऐसा रहेगा। सेकंड देखिए, मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विचों के पावर बोले तो दोस्तों इसमें आता है 16 एम्पीयर वाला, और लाइटिंग बोले तो 6 एम्पीयर वाला, 6 एम्पीयर 240 वोल्ट, पावर बोले तो 16 एम्पीयर 240 वोल्ट या 440 वोल्ट तक जाता है दोस्तों वो। आगे देखिए, मेन फ्यूज बोर्ड स्विचों के साथ लाइटिंग, ये कहता है दोस्तों पहला बिना स्विच के था, जो दूसरा वाला है वो ये स्विचों के साथ है, ये लाइटिंग का और ये पावर का। तो पावर में क्या होगा दोस्तों, एक ब्रैकेट आपका अलग से ऊपर से लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्विच के बिना लाइटिंग, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है क्या होता है, स्विचों के बिना, ये रहा
और स्विच के साथ बोले तो ये नीचे दिखाएंगे आपको दोस्तों अपन, ये और लाइटिंग का 6 एम्पियर वाला और ये आपका पावर वाला जो कि 16 एम्पियर तक जाता है। आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्विचों के साथ, जहाँ स्विचों के साथ आता है तो वहाँ से वो डब्बा आधा हो जाता है, आधे में सेक्शन रहता है और आधे में ब्लैंक रहता है दोस्तों। तो ये आपका स्विचों के साथ, ये स्विचों के बिना, लेकिन ये वाला लाइटिंग वाला और ये पावर वाला। आपको बताया दोस्तों मैंने कि लाइटिंग वाला क्या होता है, पावर वाला क्या होता है। लाइटिंग बोले तो लाइट वेट, जिसमें कि आपका लाइट या पंखा ये सब चीज़ें आती है, और पावर बोले तो जिसमें आपका फ्रिज या फिर कूलर या एसी, इनके लिए जो फ्यूज बोर्ड लगाए जाते हैं जो पावर के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए मेन स्विच बोर्ड, सॉरी मेन स्विच लाइटिंग, ये मेन स्विच जो बोर्ड लगा होता है अपने आप देखा आपने इनकमिंग में, ये आपका लाइटिंग का है और ये एल लगा हुआ है इसमें और इसमें पी लगा हुआ है, ये मेन स्विच पावर होता है, ये पावर के लिए होता है। फिर चेंज ओवर स्विच, चेंज ओवर स्विच देखिए दोस्तों ये किस तरह का इसका सिंबल बनाया गया है। फिर है मीटर, आपके घरों में जो मीटर जो लगा होता है, चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे वाट मीटर हो, लेकिन ये जो है आपका एनर्जी मीटर टाइप का जो है, ये वाला जो दिया है दोस्तों सिंबल, आपको यदि कहीं मीटर उपयोग करना है तो इस टाइप का सिंबल का आप उपयोग करेंगे कि इस सर्किट में हमने मीटर लगाया हुआ है। आगे देखिए दोस्तों पेंडेंट लाइट सिंगल, पेंडेंट लाइट काउंटर भार, पेंडेंट रॉड, पेंडेंट चेन, सारे सिंबल दोस्तों इसको आपको याद करना होगा। जब तक अभी आपको ये सिंबल याद नहीं होंगे तब तक आपके ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बिना मेहनत के आपको मिलने हैं इसके पॉइंट वो आपको मिलेंगे नहीं। फिर दोस्तों आपका लाइट ब्रैकेट, बटन लैंप होल्डर, स्विच सामान्य संकेत चिन्ह, नॉर्मल स्विच का एक चिन्ह रहता है दोस्तों ये वाला है, ये इसका वन वे स्विच का, टू वे स्विच, पेंडेंट स्विच, पुल स्विच जो ऐसे खींच के बंद किया है दोस्तों, ये पुश बटन स्विच जो कि अपने बेल स्विच में लगी होती है, जैसे पुश करने के बाद वो चालू होती है, या फिर ये होती है स्टार्टर में दोस्तों, आपने देखा होगा जब कभी हम मोटर चालू करते हैं इसमें स्टार्टर में स्विच लगा होता है, पुश स्विच जिसमें ऑन और ऑफ स्विच लगी होती है दोस्तों। आगे देखिए ये है ऑन स्विच और ये ऑफ स्विच, ठीक है दोस्तों। इंटरमीडिएट स्विच, सॉकेट आउटलेट, टू पिन, 6 एम्पियर, आपको यहाँ पर ध्यान देना है सॉकेट जो रहता है आपका टू पिन वाला वो 6 एम्पियर का, इसका इस तरह से सिंबल बनाया जाता है, सॉकेट आउटलेट टू पिन 6 एम्पियर, ये स्विच के साथ में और ये स्विच के साथ में 16 एम्पियर, जहाँ 16 एम्पियर ये आती है दोस्तों वहाँ से डबल लाइन उसको ड्रॉ कर दी जाती है। सॉकेट आउटलेट 3 पिन, थ्री लाइन्स इसमें, सॉकेट आउटलेट 3 पिन 6 एम्पियर लेकिन स्विच सहित, सॉकेट आउटलेट स्विच 3 पिन 16 एम्पियर, 16 एम्पियर की बात आती है तो ये डबल लो उसमें ये हो गया। छत का पंखा सीलिंग फैन का सिंबल ये है, फिर देखिए दीवार के साथ लगा तिरछा फैन, ये आ गया आपका ब्रैकेट फैन का दोस्तों ये सिंबल, हवा बाहर निकालने वाला एग्जॉस्ट फैन जहाँ एग्जॉस्ट फैन लगाना है। ये दोस्तों इन सब चीज़ों सिंबल का जो उपयोग किया जाता है, जैसे अपन किसी को इस्टीमेटिक बना के दे रहे हैं तो वहाँ पर अपन इन सिंबल के माध्यम से कि ये हाँ ये इतना लगेगा, ये इतना लगेगा, ये सब सारी चीज़ें इस्टीमेटिंग कॉस्टिंग में आपका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये विद्युत घंटी, घंटी स्विच जो विद्युत घंटी है उस घंटी का स्विच जो है इस तरह से रहेगा दोस्तों। बजर, इंडिकेटर, आप यदि एक विद्युत सर्किट बना रहे हैं तो आपको इन सभी सर्किट चिन्हों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आपको यदि बोल दिए कि आपको एक बेल स्विच को कनेक्ट करके सर्किट डायग्राम बना के दिखाइए, आपको यदि इसका सिंबल या चित्र पता नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे दोस्तों। देखिए ये रिले फॉल्ट, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है वहाँ पर इस तरह का सिंबल दर्शाया जाता है। फॉल्ट की स्थिति में फ्रेम करने के लिए ये वाला है। मैग्नेटिक कोर या मैग्नेटिक बार बोलते हैं इसे, ये है इसमें ये मैग्नेटिक लेमिनेटेड कोर जो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो बाइंडिंग लगी जिस पर बाइंडिंग लपेटी जाती है उसे कोर कहते हैं दोस्तों। तो ये ऊपर से इसमें दो बार आ गए तो ये लेमिनेटेड कोर कहलाती है। दीवार पर लगे लैंप ये आते हैं, छत पर लगे लैंप ये थे दोस्तों। आपातकालीन लैंप, जैसे सायरन लैंप, जैसे आपातकालीन लैंप ये होते हैं जो
इमरजेंसी स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में या फिर किसी सायरन बजता है तो जो आपातकालीन जो लैंप जलता है रेड कलर का, उसे इमरजेंसी लैंप कहा जाता है। दोस्तों जल रोधित प्रकाश फिटिंग, ये होती लाइट फिटिंग होती है दोस्तों, जहाँ पर पानी गिरने पर भी वो बल्ब के ऊपर में वो बल्ब के अंदर पानी नहीं आता है, ये होती है। फिर ये कन्वेक्शन हीटर का सिंबल है, इमर्सन हीटर, न्यूट्रल फेस फाइसर थे, विद्युत घंटी फायर अलार्म के साथ, ये दोस्तों इसका सिंबल, एम्पलीफायर, कंट्रोल बोर्ड, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, रिसीवर और ये एरियल। एरियल का सिंबल बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि एरियल कैसा होता है, तो ये आपका इसका इसका सिंबल देख लीजिएगा। फ्रेम या चेसिस, अर्थ कनेक्शन, जहाँ अर्थ का कनेक्शन दिया जाता है दोस्तों वहाँ पर ये सिंबल दिया जाता है, फ्रेम या चेसिस कनेक्शन, ये है इसका। अर्थ टेस्ट पॉइंट, अर्थ टेस्ट पॉइंट जहाँ पर ये अर्थिंग के लिए पॉइंट छोड़े जाते हैं न्यूट्रल लिंक टाइप से। पायलट लैंप या कॉरिडोर लैंप, ये पायलट लैंप ये होते हैं दोस्तों जो आप पैनल बोर्ड में देखते हो, जैसे कि स्टार्टर में लगा होता है, थ्री फेस दिखाता है इसमें, रेड येलो और ब्लू तीनों फेस की इंडिकेशन दर्शाता है दोस्तों। ये पायलट लैंप या इसे कॉरिडोर लैंप भी कहा जाता है। ये सायरन का हार्न या हूटर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच दोस्तों, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच वो होती है जो सिंगल फेस मोटर को ओवरहीट होने पर जो बंद करती है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहलाती है दोस्तों, जो कि आगे देखिएगा दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर अपने जो ऑप्शन 68 है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट इस तरह का सिंबल है दोस्तों उसका, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट डबल ये आता है उसमें, हीटर नॉर्मल हीटर का ये है, इमर्सन हीटर अलग है, सारी चीज़ों का सिंबल दोस्तों अलग अलग है, आप इसे ध्यान से देखिएगा और इसका रिवीजन जरूर कीजिए दोस्तों। डायरेक्ट डीसी एंड अल्टरनेटिव करंट एसी, प्रतिरोध आर, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस को एल से शो करते हैं, जिसका इस तरह से सिंबल बनाया जाता है। इम्पीडेंस जेड, आपको पिछले वीडियो में बताया दोस्तों इम्पीडेंस को जेड से, एडमिटेंस को वाई से, ये सारी चीज़ें जो जो दोस्तों आपके इसमें जो सिंबल है इसके अंदर बनाया गया दोस्तों। ये वाइंडिंग सामान्य, सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंड यह है आपकी संट वाइंडिंग, स्लिप रिंग पर बूस ये दोस्तों, और ये आपका कम्यूटेटर पर बूस, जनरेटर सामान्य, ये दोस्तों मोटर सामान्य, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, एसी मोटर, थ्री फेज स्क्वायरल प्रेरण मोटर, थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर। इसके बाद दोस्तों अपने आते हैं स्टार्टर के चिन्ह, कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कैसा होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसा होता है, इनके सारे सिंबल कैसे कैसे आते। देखिए दोस्तों डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसका सिंबल ये दिया हुआ है यहाँ पर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर विद प्रोटेक्टिव डिवाइस, इसका सिंबल ये है। स्टार डेल्टा स्टार्टर, सीरीज पैरेलल स्टार्टर, पोल चेंजिंग स्टार्टर, सिंगल फेस कैपेसिटर, स्टार्ट मोटर हेतु स्टार्टर, धारा नियंत्रक स्टार्टर जो वोल्ट करंट को नियंत्रित करता है वाला स्टार्टर दोस्तों, ऑटोमेटिक स्टार्टर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर DOL स्टार्टर कनेक्शन करके दिखाया हुआ है इसमें दोस्तों, और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, देखिए इसका सिंबल इस तरह से है। तो दोस्तों ये आपके स्टार्टर के भी सिंबल यहाँ समाप्त होते हैं। अब आते हैं आपके मशीनों के चिन्ह, मशीन सिंबल क्या होते हैं दोस्तों, देखिए मूविंग आयरन टाइप वोल्ट मीटर इस टाइप का है, देखिए ये जो बार लगी है और जिसमें जिगजैग सिग्मा बने हुए हैं, ये मूविंग आयरन का सिंबल होता है, और ये टाइप वोल्ट मीटर का वी से सिंबल दिया गया है।
तो मूविंग आयरन टाइप जो होता है दोस्तों एसी एवं डीसी दोनों में काम करता है, इसमें इसलिए इसमें अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट दोनों का सिंबल दर्शाया गया है। ये मूविंग आयरन एम्पियर मीटर, ये मूविंग आयरन का, ये एसी डीसी का और ये एम्पियर का सिंबल दर्शाया गया है। डायनेमो मीटर टाइप वाट मीटर, तो ये जो वाट मीटर दोस्तों ये डायनेमो टाइप का जो होता है एसी और डीसी दोनों पे उपयोग करता है। इसका है रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, यानी रीडिंग टाइप जिसके ऊपर अपने आंकड़े दर्शाए जाते हैं, दो चार छः जो इसमें आंकड़े आते हैं दोस्तों उसमें रीडिंग टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर होता है ये, जो ब्लिंक करता है जहाँ पर। आगे देखिए ऊर्जा मीटर, वाट आवर मीटर जैसे कहा जाता है दोस्तों। मूविंग क्वाइल वोल्ट मीटर, इसका सिंबल ये है, मूविंग कॉइल का सिंबल ऐसा रहता है और नीचे से एक बार रहती है, ये होता है मूविंग कॉइल, लेकिन वी अंदर लगा है तो ये वोल्ट मीटर, वी के नीचे आपने देखा होगा एक बार है जो कि डीसी, ये जो ये इस तरफ का जो मीटर होता है सिर्फ और सिर्फ डीसी में उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। आगे देखिए मापक यंत्रों में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह, जैसे अभी ये डीसी एवं एसी अभी आपको दिखाया उसमें चिन्ह में जो सिंबल बने उसके अंदर, सिंगल फेज मल्टी फेज एसी, सिंगल फेज मापित मल्टी एसी जो है ये, थ्री फेज मल्टी एसी फेज, कोई टेस्ट पोटेंशियल नहीं हो, कोई टेस्ट पोटेंशियल नहीं हो जिसके लिए स्टार के अंदर जीरो का सिंबल आ जाएगा, टेस्ट पोटेंशियल 500 वोल्ट जो सिर्फ स्टार रहेगा, टेस्ट पोटेंशियल 500 से ज़्यादा जिसके अंदर में एक वन लगा रहेगा दोस्तों, 500 के ऊपर में स्टार के अंदर वन रहेगा, 500 तक जो है कुछ नहीं रहेगा, और जिसमें पोटेंशियल नहीं है उसमें जीरो आएगा अंदर में दोस्तों। धरती पर खड़े होकर यंत्र का ऊर्ध्वाधर, ये होता है दोस्तों आपका उसकी ऊर्ध्वाधर स्थिति जो मीटर के ऊपर दर्शाती है कि इस मोटर मीटर को आपको ऐसा ही उपयोग करना है, इसे टिल नहीं करना है। यंत्र का क्षैतिज स्थिति का प्रयोग, ये इसका सिंबल है, यंत्र को क्षैतिज स्थिति में उपयोग किया जाना है तो उसकी स्थिति का उसमें सिंबल दर्शा गया दोस्तों। ये सिंबल जहाँ जहाँ होते हैं इन सब सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि 500 वोल्ट का उपयोग करने का है या 500 वोल्ट के नीचे, या फिर इसे कैसा इसे स्टेबल अपना ऊर्ध्वाधर रखना है या क्षैतिज रखना है, सारी चीज़ें मीटर के अंदर दर्शाई रही। बस आप यदि इसके बारे में जान रहे हो तो आपको जरूर इसके बारे में जो है समझ में आएगा दोस्तों। आगे देखिए यंत्रों का प्रयोग करते समय ये 60 अंश का झुकाव, ये है कि आपको यंत्र का उपयोग करते समय 60 अंश पर उसको टिल करना है। ये मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनेमिक गुणक यंत्र, मूविंग कॉइल यंत्र रेक्टिफायर के साथ, रेक्टिफायर के साथ बना यंत्र, यानी कोई भी यंत्र में यदि रेक्टिफायर से बनाया तो इसमें ये और चिन्ह आएगा दोस्तों। और यंत्र वर्णन से पहले निर्देशों का अध्ययन, ये चीज़ जो सिंबल होता है कि आप यदि किसी यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो उसके पहले उसके सिंबलों का अध्ययन कर ले कि ये सिंबल कैसा उपयोग किया जाना है, कितने वोल्ट तक उपयोग किया जाना है, कौन से सप्लाई पे उपयोग किया जाना है दोस्तों। तो ये हो गए आपके यंत्र में जो सिंबल उपयोग किए जाते हैं ये। इसके आगे देखिए दोस्तों क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह। अभी हमने देखे इलेक्ट्रिकल परिपथ में उपयोग किए जाने वाले चिन्ह और उसके सिंबल, अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में उपयोग किए जाने वाले चिन्ह दोस्तों। तो देखिए इसमें यह है आपका डायोड का सिंबल, इसमें दो टर्मिनल होते हैं एनोड एंड कैथोड, ये आपका जीनर डायोड का सिंबल दोस्तों, ये टनल डायोड, वेरेक्टर डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, पीएनपी, पीएनपी में दोस्तों जो होता है जो करंट होता है जो बेस की तरफ आती है और जो एनपीएन होता है उसमें बाहर की ओर जाता है दोस्तों, ये आपने देखा होगा इसमें तीर का निशान जो दिखाया हुआ है, एनपीएन में तीर का निशान बाहर की ओर रहता है, एंड पीएनपी में तीर का निशान अंदर की ओर रहता है। आगे चलते हैं हम लोग एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसमें एनोड कैथोड और गेट तीन इसके टर्मिनल होते हैं, और इसका इस क्वेश्चन के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है कि एससीआर का सिंबल कौन सा है, ऐसे सेम टू सेम तीन चार्ट बना देगा, सेम यही रहेंगे लेकिन उस टर्मिनल के नाम बदल देगा, एनोड कैथोड गेट की जगह B1 B2 अर्थ, या फिर इस तरफ से कोई भी पॉइंट नाम लिख देगा M1 M2 या T1 T2, तो अपने को एनोड कैथोड और गेट इस पर अपने को ध्यान देना है दोस्तों। ये है आपके सिलिकॉन के जो आपका एससीआर जो होता है
सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका सिंबल है दोस्तों। फिर दिया यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT, इसका सिंबल इस तरह से बनाया जाता है, जिसका आता है B1, B2 एंड E, जो ये इसके तीन टर्मिनल होते हैं। आगे देखिए एन चैनल JFET, एन बोले तो ये देखो, देखिए दोस्तों इसमें तीर का निशान अंदर की ओर आ रहा है, और ये इसमें गेट ड्रेन एंड सोर्स। JFET की बात आती है इसमें गेट ड्रेन एंड सोर्स तीन तरह के, उसमें जो तीन गेट होते हैं, तीन टर्मिनल से सॉरी इसमें जो तीन टर्मिनल होते हैं दोस्तों, ड्रेन सोर्स एंड गेट। आगे देखिए पी चैनल JFET, पी में जो है इसमें बाहर की ओर शो किया हुआ दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग, बस दोस्तों ये आपका लास्ट PDF है और चार ही बचे, फिर इसके बाद ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे दोस्तों। एन चैनल डिप्लीशन मोड MOSFET, और दोस्तों ये जो जो चीज़ अब कराई जा रही है बहुत मोस्ट IMP है, जो जितनी प्रकार की एग्जाम होगी आपके टेक्निकल की सारे के सारे अंदर इन सब चीज़ों के बारे में कम से कम अब 10 से 15 क्वेश्चन आपके बन जाने। यदि आप इसको इतना पढ़ लेते हैं तो आपको इतने क्वेश्चन यहाँ से बनना है दोस्तों। तो एग्जाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को मतलब ध्यान से देखें और ध्यान से सुने दोस्तों। फिर देखिए पी टाइप डिप्लीशन, ये है MOSFET का चिन्ह। ये एन टाइप एनहेंसमेंट मोड, ये इसका सिंबल है। पी टाइप एनहेंस मोड, ये इसका सिंबल दोस्तों। आगे देखिए ट्रायक एंड डायक, ये फिर से दोनों IMP है। इसमें डायक, ट्रायक, टनल डायोड, SCR, ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये आपका थर्मिस्टर का सिंबल। अब दोस्तों लास्ट में आपका जो है आपको दिखाएंगे अपन जहाँ से हमने इस PDF को निकाला है, ये है आपकी NK की बुक्स के अंदर से, जो कि निम्मी पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे सिंबल्स एंड प्रतीक के बारे में जानकारी चल गई होगी दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।